क्या बोले इरफान पठान संजू सैमसन को लेके। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज संजू सैमसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया में जगह बनाने में असफल रहे। सैमसन जिन्हें एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप से पहले बाहर कर दिया गया था, उन्हें वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारत की अंतिम बायलैटरल सीरीज में मौका नहीं मिला। इसी को लेकर पूर्व स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान ने संजू को जगह न मिलने पर बयान दिया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की चेन के लिए अपनी टीम की घोषणा के बाद ट्विटर पर कहा कि अगर वह संजू सैमसन होते तो बहुत निराश होते। पठान ने ट्विटर पर लिखा, अगर मैं अभी संजू सैमसन की जगह होता तो मुझे निराशा होती। वेस्टइंडीज सीरीज के आखिरी वनडे मैच में एग्रेसिव हाफ सेंचुरी जड़ने वाले सैमसन भारतीय बल्लेबाज कर्म के बीच में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। केएल और श्रेयस अय्यर की चोटों से वापसी और ईशान किशन के शानदार फॉर्म में होने के कारण सैमसन को इंडियन टीम में शामिल नहीं किया गया। टीम के अनाउंसमेंट के बाद सैमसन ने खुद फेसबुक पर एक सीक्रेट स्माइली इमोजी पोस्ट की। पोस्ट पर अब तक 23,000 फीडबैक और 2,500 कॉमेंट्स आ चुके हैं। सैमसन ने हमेशा फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच राय बांटी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में पहले 2 मैचों के लिए टीम इंडिया केएल राहुल, रविंदर जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन, रविंदर जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। क्या आप इरफान पठान की बात से सहमत है? अपनी राय में कमेंट करके जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स में।